ऑलमोस्ट 2 दिन हो चुके हैं मूव करे हुए, और सामान क्या रहे तो दिख ही नहीं होगी। अभी काफ़ी अनपैकिंग रहती है, पर दिक्कत यह है यहाँ पे स्टोरेज ज़्यादा है नहीं, और हम जो स्टोरेज बॉक्सेस लाए थे वो लग नहीं पा रहे क्योंकि रॉड रिमूवेबल नहीं है, तो कुछ और जुगाड़ देखना पड़ेगा। आज बेस्ट बाय भी जाना है, गिम्बल लिया था पर वो इतना अच्छा लग नहीं रहा मुझे क्योंकि वीडियो ज़्यादातर कैमरे से बनानी होती है और वो सिर्फ फ़ोन गिम्बल है। वो तो मैंने देखा उसी की रेंज में 3-to-1 गिम्बल्स भी हैं मोज़ा के, आई थिंक मोज़ा मिनी पी है, तो मैं शायद वो एक्सचेंज कर रहा हूँ। तो डाउनटाउन में एक है तो सही बेस्ट बाय, तो वहाँ जाने का प्लान बन रहा है। और आज तो काफ़ी ग्लूमी हो रहा है, लग रहा है बारिश वगैरह हुई है, ठंड भी है काफी। सामान भी अनपैक करना है, आज का दिन तो भाई काफी लंबा जाएगा। कल भी लेट उठे थे और आज भी लेट उठे हैं क्योंकि सोए बहुत लेट थे। पहले कुछ खा लेते हैं फिर सामान अनपैक करके डाउनटाउन जाएंगे। और अपार्टमेंट में 2 दिन बोर होने के बाद हम फाइनली जा रहे हैं बाहर, यंग एंड डंडा स्क्वायर। काफ़ी बोर हो गया यार अपार्टमेंट में बैठे बैठे, और ठंड भी बहुत है। यहाँ भी सारे देसी दिख रहे हैं। बैठे 40 मिनट की वॉक भी है। फट रही है ठंड में, फट रही है। ये फैमिली शो है यहाँ पे, फट रही है नहीं बोल। Let's go. यार यार बहुत ज़्यादा ही ठंड है, बिना ग्लव्स के तो काम ही नहीं चलता। और ग्लव्स में कैमरा ऑपरेट होता नहीं, बार बार फोकस आउट हो जा रहा है भाई। इतनी ज़्यादा ठंड, हाथ सुन्न हो चुके हैं, तो ऐसे ही आ गए थे खाने पीने। 3.5 किलोमीटर की वॉक वन साइड, अब जाने में भी 1.25 घंटा लगेगा। रायसन यूनिवर्सिटी के बाहर ही है फूड ट्रक्स। प्रेरणा बहुत ठंड लग रही है, हैं? प्रेरणा की हालत टाइट है, प्रेरणा की हालत टाइट है, और ठंड में जल्दी जल्दी चल रही है। थोड़ा धीरे चल, आई नीड सम गर्मी। भाई कितने भी ठंडो, यहाँ तो लोग घूमते ही रहते हैं।